हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं जितने भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसमें कॉलेज लिस्ट देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो आप इस आर्डर में अपना प्रियॉरिटी भी, जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आप कॉलेज भी चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन कॉलेज, वो प्रियॉरिटी आर्डर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट देखेंगे कि कितने उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज अटल बिहारी के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। अभी तो 100% क्लियर नहीं है कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो जितना आपको आइडिया है आप शेयर करिएगा। जो मुझसे छूट जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, मैं 11 गवर्नमेंट कॉलेज इसमें इंक्लूड किया हूँ जो मुझे नॉलेज है। अगर आपको और कोई गवर्नमेंट कॉलेज पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट देखते हैं। तो अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी तब गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी लिस्ट आ जाएगी और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों की एडमिशन इसी के थ्रू किए लिए जाएंगे इस वर्ष। और इसमें प्राइवेट की काफ़ी सीटें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राइवेट के कॉलेज इंक्लूड किए गए हैं। सभी सिटी के जितने के प्राइवेट कॉलेज हैं सब इसी के थ्रू सीटें फिलअप की जाएंगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना है किसी भी स्टूडेंट को, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करेंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप अच्छे नंबर गेन करते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें, अभी जो है काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, ना ही अभी कॉलेज सीट मैट्रिक्स आई है। जब कॉलेज सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब कंफर्म हो जाएगा कितने गवर्नमेंट कॉलेज और कितने प्राइवेट कॉलेज इसमें इंक्लूड हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो आप अगर आपको इसमें जैसे आर्डर में सेट किया हो ना, ये कौन कौन से कॉलेज इसमें इंक्लूड हैं, तो उसी आर्डर बेस से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके अच्छे रैंक है, वो मैक्सिमम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है यही लेना स्टूडेंट चाहते होंगे कि मुझे KGMU मिल जाए। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आप जब काउंसलिंग होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी आर्डर में डाल सकते हैं। अभी लास्ट में और देखेंगे कि आप कौन से कॉलेज चूज कर सकते हैं। ये देखिए, सेकंड पे आप काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी आप सर्च लिस्ट में सेकेंड पर आप फिल कर सकते हैं काउंसलिंग टाइम पर। थर्ड टाइम पे ये देखिए, आप KGMC की बात करेंगे, इसमें फ़ीस आपकी लगभग समथिंग में 48,000 पड़ती है, 48,000 रुपये समथिंग में। और ऐसे ही आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में तो मिनिमम ही है, लगभग 12,000 रुपये हैं। और अगर आप सेफई टावा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको KGMU में भी हॉस्टल मिलेंगे, तो यहाँ पे तो 34,500 रुपये हैं, जिसमें आपके 4,800 रुपये फीस लगते हैं। ये इटावा डिस्ट्रिक्ट के सेफई में है, तो ये भी कॉलेज अच्छा है और हॉस्टल भी अच्छे हैं, तो इसको आप चूज कर सकते हैं। कन्नौज में आपके जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के जो मैं फीस बता रहा हूँ, ये एक साल की है फीस, हर साल आपको फीस जमा करना पड़ेगा, हर साल आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म अपडेट करने पड़ते हैं, फिलअप करने पड़ते हैं, जिसके जितने आप फीस देते हैं आपकी स्कॉलरशिप उतना आ जाती है। तो आप थर्ड नंबर पे आप कन्नौज भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फीस है ये 40,000 है, मतलब 40,000 है, तो 40,000 फीस है। और यहाँ पर जो है 6,000 आपकी हॉस्टल फीस है, तो 6,000 हॉस्टल फीस। और अभी न्यू कॉलेज है, कैंपस अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छे हैं, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में GSBM मेडिकल कॉलेज है, आप ये भी चूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे अपना पुराना मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में जो है, इलाहाबाद में, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। पाँचवें छठवें नंबर पे अपना जो भी, तो यहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग की अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये आप चूज कर सकते हैं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज या मेरठ में है, यहाँ पे भी आपको हॉस्टल शायद है कि नहीं है। आप अगर एडमिशन होता है 2022 में किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, तो आप डायरेक्ट अपना इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेंड जरूर करें, किस कॉलेज में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों को कितनी फीस है, सबके
क्योंकि नेक्स्ट ईयर में स्टूडेंट को जो न्यू स्टूडेंट आपके भाई बंधु आएंगे या फिर आपके जूनियर आएंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन पास करने में मुझे आसानी होगी। तो ये हो गया, मेरठ में एक कॉलेज है। और नेक्स्ट में ये देखिए आपका सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आपका ये आगरा में है। तो ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आगरा में जो मेडिकल कॉलेज है ये भी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। तो बीएससी नर्सिंग के कोर्स यहाँ पे भी होते हैं, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अभी जल्दी शुरू किया गया है, 21 बैच अभी एक बैच बीएससी नर्सिंग का वहाँ पर फिलअप किया गया है। ये जो 2022 जा रहा है ये सेकेंड बैच जा रहा है, तो आपके ऊपर ओनली एक सीनियर रहेंगे अगर आपका एडमिशन यहाँ पर लेते हैं गोरखपुर में। तो ये जो 21 बैच में जो हुआ था एडमिशन ये नेट के थ्रू हुआ था, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू ही होगा। और ऐसे ही कन्नौज में भी हुआ था, 21 से शुरू हुआ आप नेट के थ्रू उसमें बच्चे गए, इस साल तो अटल बिहारी के थ्रू। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आपकी ये कहाँ पे, झांसी में है। यहाँ पे भी 40 सीटें हैं और फीस इसमें मिनिमम फीसें हैं, कितनी फ़ीस है एग्जैक्ट ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फ़ीस शायद 22,500 रुपये है, जहाँ तक मुझे पता है कि 22,500 रुपये सिर्फ फीस यहाँ पे है। नेक्स्ट में देखते हैं आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन नोएडा बुद्ध नगर में, आपका एक नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर भी है। तो टोटल आपके कितने गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें 11 गवर्नमेंट कॉलेज मुझे आइडिया था कि इसके थ्रू होंगे। अगर आपको कोई कॉलेज और छूट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आपको ये चीज़ जो प्रायोरिटी आर्डर बताऊं कि इस आर्डर में आप फिलअप भी कर सकते हैं, तो आप एक चीज़ और फॉलो कर सकते हैं। आप मान लीजिए फर्स्ट पे तो KGMU आप डालेंगे ही, फर्स्ट पे KGMU 100%, चाहे जहाँ के स्टूडेंट चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट पे आप KGMC ज़रूर डालें अगर आपकी अच्छी रैंक हो। और सेकंड पे आप सेकंड थर्ड फोर्थ और सेकंड पे उस पोजीशन पे डालें जहाँ पे आपका मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके सिटी में नज़दीक है, घर से आपका नज़दीक है, तो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो आफ्टर कोर्स कंप्लीट तो मार्कशीट सेम रहती है, सेम जॉब लगते हैं। थोड़ा अच्छे कॉलेज से करेंगे तो ये रहता है कि हाँ अच्छे कॉलेज से थोड़ा हुआ, लेकिन अच्छे कॉलेज सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो अच्छे ही कॉलेज हैं। लेकिन आप तो उस आर्डर में भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं जहाँ से आपको आने जाने में आसानी हो, लेकिन फर्स्ट चॉइस आप KGMC और RML चूज करिए। फर्स्ट और सेकेंड के बजाय आपके जो करीब में नज़दीकी हो वो कॉलेज आप सेट करिए, मेरे गाड़ी आप अपना खुद सोच लीजिए। और बस यही था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लगभग ये समझिए 250-300 स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरे पास सभी का रिजल्ट है। नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट देखेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन हैं, कमेंट हैं, तो उस कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और इसके पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है चैनल पर, आप चैनल पर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, और पर्सनली भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। और जो भी है आप ज़रूर शेयर करते रहें। और आप इसकी प्लेलिस्ट, मैंने जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने चैनल पे धुआंधार कराया था, जिसके थ्रू 2021 में काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और इस बार 22 में भी सिलेक्शन होने जा रहा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नेक्स्ट ईयर भी हम कराएंगे, तो अपने भाई बंधु को पास करें, इसके बारे में बताएं। क्या बताएं कि सीटी नीट चैनल पे आप आसानी से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती हो तो वहाँ आप प्रिपरेशन मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। नीट का मैं जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता सब प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे इसी से रिलेटेड। तो थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.
फर्स्ट फ्लोर कहाँ है? जीरो फ्लोर।